फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटी सी और प्रॉब्लम देखेंगे हैकर रैंक पे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है, इसका नाम है मैक्सिमम ड्रॉस। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ पर्सन इज गेटिंग रेडी टू लीव एंड नीड्स अ पेयर ऑफ मैचिंग सॉक्स। इफ देर आर एन कलर्स ऑफ सॉक्स इन द ड्रॉर, हाउ मेनी सॉक्स नीड टू बी रिमूव्ड टू बी सर्टेन ऑफ हैविंग अ मैचिंग पेयर। सो इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन कलर के सॉक्स हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो निश्चित रूप से इस रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का पेयर भी अवेलेबल होगा। सो मान लेते हैं कि R1 G1 B1 एंड R2 G2 B2, ये तीन कलर के सॉक्स हैं और हमने इसको ड्रॉर में रख दिया है। जब हम ड्रॉर से रेंडमली किसी एक सॉक्स को पिक करते हैं, लेट से हमने R1 को पिक कर लिया एंड देन उसके बाद B1 को पिक कर लिया एंड देन लेट से हमने B2 को पिक कर लिया, सॉरी B2 को नहीं, अभी पिक करते हैं। सो रैंडमली हमने पिक किया तो G2 को लेट से हमने नेक्स्ट पिक कर लिया एंड देन इसके बाद जब हम नेक्स्ट पिक करेंगे तो जो सिलेक्शन होगा वो किस किस का हो सकता है? एक हो सकता है G1 का सिलेक्शन है। अगर G1 हमने मिल गया तो इसको G2 का पेयर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर G1 हमने नहीं पिक किया, हमने R2 पिक किया है तो वो R1 का पेयर मिल जाएगा। और अगर हमने R2 पिक नहीं किया है तो लेट से हमने B2 पिक कर लिया तो B1 का पेयर मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचें कि हमारे पास अगर तीन कलर के सॉक्स हैं और इसका जो पेयर अवेलेबल है वो भी हमारे पास है, तो जब हम पिक करेंगे तो हो सकता है कि पहले पिकिंग में तीनों अलग अलग कलर के सॉक्स हो, लेकिन नेक्स्ट पिक में जो भी आप पिक करेंगे, लेट से 4 अगर आप पिक करते हैं तो आपको 1 का पेयर मिल जाएगा। अगर आप 5 पिक करते हैं तो 2 का पेयर मिल जाएगा। अगर आप 6 पिक करते हैं तो 3 का हमारा पेयर मिल जाएगा। तो आंसर से हमें दिख रहा है कि अगर मेरे पास तीन कलर के सॉक्स अवेलेबल हैं तो 4 पिकिंग अगर आप करेंगे तो आपको पेयर मिल जाएगा। इसको हम एक्चुअली इस तरह से भी देखते हैं, ये एक्चुअली एक डिस्क्रीट मैथमेटिक के प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको हम पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। और पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास तीन पिजन होल्स हैं और अगर हमारे पास पिजन्स आ रही हैं तो कम से कम 4 पिजन्स अगर आएंगे हमारे पास तब हम इंश्योर कर पाएंगे कि एक होल में 2 पिजन है। तो मान लीजिए कि 1 2 3 अलग अलग हमारे होल्स में चले गए और कोई भी एक नेक्स्ट पिजन होगा तो या तो इस वाले में होगा तो इसमें 2 हो गई, और अगर इसमें नहीं है तो इसमें होगा तो भी इसमें 2 हो गया, और मान लीजिए इसमें नहीं है तो इसमें होगा तो इसमें भी 2 हो गया। तो कम से कम 4 पिजन होंगी तो इसका मतलब है कि एक होल में 2 पिजन हो सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे भी जनरलाइज करें तो एन पिजन होल्स हैं और N+1 पिजन हैं तो एक होल में 2 पिजन्स होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं हैकर रैंक पे। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ड्रॉस इंटीजर एन गिवन है, सिंपली आप N+1 रिटर्न कर दीजिए और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कोड को रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस हमारे रन हो गए। और हमारे प्रॉब्लम का सबमिशन भी हो गया है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई विल कम अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट एट द हैकर रैंक।